श्रीनिवास। मैम आवाज आ रहा है मेरा? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है ओके। तो बस मुझे एक चेक करना था। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ वन थिंग, आई वॉन्टेड टू जस्ट चेक इट। लाइक हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में रंगोली बोलते हैं ना, सो व्हाट इज रंगोली मेड ऑफ? ओके, रंगोली इज मेड यूज्ड मटेरियल्स लाइक राइस पाउडर, ब्रिक पाउडर, चॉक पाउडर, फ्लावर पेटल्स एंड कलर्ड सैंड। तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पे जो रंगोली बनती है वो राइस पाउडर से बनती है। मुझे लगता है कि वो कलर्ड सैंड होता है। ओके, क्योंकि वो सैंड होता है, राइस पाउडर समझ में आता है हमें। ओके, तो हमारे यहाँ की रंगोली इसकी बनती है। ओके, सैंड पाउडर। बट इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं ये नीचे बताऊंगी कि क्यों ये राइस पाउडर की रंगोली क्यों बनाते हैं। चलो तो पहले हम यह देखेंगे इसका। सो श्रीनिवास इज हियर, अंशुल इज हियर, श्रुति, हर्ष, सिद्रा, गौरवी। ओके लेट्स सी। तो फ्लोर डेकोरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एनी ऑफ आर्ट इन एनी कल्चर। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे फ्लोर पे डेकोरेट करते हैं। ओके, तो ये कोलम आर्ट क्या है? फ्लोर डेकोरेशन आर्ट है। सो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट मीडियम्स। तो इंडिया में अलग अलग मीडियम्स में कहीं पे इसको अल्पना बोलते हैं, ओके, कहीं पे इसको रंगोली बोलते हैं, कहीं पे इसको कोलम बोलते हैं, कहीं पे इसको सांझी बोलते हैं। ओके, तो कोलम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ साउथ इंडिया। तो कोलम कहाँ पे बोलते हैं इसे? साउथ इंडिया में रंगोली को कोलम बोलते हैं। ड्यूरिंग पोंगल एंड अदर फेस्टिवल्स दिस डेकोरेटिव आर्ट वर्क इज डन ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ओके, तो कब करते हैं ये? पोंगल के वक्त। जो साउथ इंडियंस करते हैं पोंगल के वक्त फ्लोर के ऊपर निकालते हैं उनके घर के सामने अल्टर। डू यू नो व्हाट इज एन अल्टर? यस और नो? नो मैम। नो मैम। मंदिर होता है। यहाँ पे देखो। ओके, ऑल्टर मंदिर को बोलते हैं। सो सी हियर देयर इज अ डिफरेंस। ओके, किसका मंदिर है अल्टर? मतलब ये वाला अल्टर दूसरा है और ये वाला अल्टर है एलिवेटेड टेबल स्टैंड। ओके, फॉर एग्जांपल द रिलीजियस लीडर स्टूड ऑन द अल्टर। ओके, तो ये जो अल्टर रहता है ये अल्टर के सामने क्या करते हैं? एक डीटी रहती है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अल्टर। सो कोई भी डीटी ले लो। सो डीटी का मीनिंग भी आपको पता नहीं था, लाइक देयर कैन बी एनी डीटी। ओके, तो उसके सामने क्या करते हैं? ये रंगोली निकालते हैं। सो ड्यूरिंग पोंगल एंड अदर फेस्टिवल्स दिस डेकोरेटिव आर्टवर्क फ्लोर पे निकालते हैं ऑल्टर के सामने, बिफोर द ऑल्टर ऑफ द डीटी। ओके, कोलम लाइक अदर फ्लोर डेकोरेटिव आर्ट्स इज अ सिंबल ऑफ फॉर्चून। जैसे नहीं बोलते है कि आप रंगोली निकालो फिर भगवान जी आपके घर पे आएंगे, ऐसे लाइक अच्छी चीजें आपके घर पे आएंगी, तो वो बोलते हैं एज अ सिंबल ऑफ फॉर्चून इसे करते हैं। डिजाइंस एंड मोटिव्स। ओके, डिजाइंस और उसपे जो मोटिव्स रहते हैं, जो डिजाइंस होते हैं फ्लोरल या फिर ज्योमेट्रिकल, आर ट्रेडिशनल इन नेचर। ओके, हमें सबको पता है उसके ऊपर मोटिव्स ट्रेडिशनल होते हैं। दिस आर बोथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। द फ्लोर शुड बी वेट। तो हमें सबको पता है किस किस ने रंगोली निकाली है, बोलो, टेल मी। यस, वेरी वेल, वेरी वेल। तो क्या करते हैं रंगोली निकालने से पहले? अगर अभी आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो, नहीं तो आपके मतलब गांव के पास कोई घर हो या फिर आपका है, तो क्या करोगे आप रंगोली निकालने से पहले? लाइक यू विल ब्राउन कलर की मिट्टी लगाते हैं, ब्राउन कलर का। यस यस, वैसे भी करते हैं। पहले तो उसको क्लीन कर लेते हैं, झाड़ू मारते हैं,
फिर उस पे पानी मारते हैं, फिर पानी मारने के बाद कोई कोई वो ये भी लगाता है, गोबर भी लगाता है, या फिर वो ब्राउन कलर की मिट्टी भी लगाते हैं। आजकल वो गोबर का कुछ पाउडर टाइप भी आता है कि आप ना उसको लगा दो, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, ये जो कोलम है ये करते हैं। तो अभी ये बस इसमें प्रोसेस बता रहे हैं, द ड्राई कोर्स ऑफ ग्राउंड राइस। तो एज अ रंगोली कोलम में क्या कर रहे हैं, ड्राई कोर्स ऑफ ग्राउंड राइस ले रहे हैं, हेल्ड बिटवीन द थंब एंड फिंगर्स। ओके, तो ऐसे द हैंड कीप्स ऑन मूविंग, मतलब निकाल रहे हो तो आपको पता है रंगोली कैसे निकालते हैं, कीप्स ऑन मूविंग। द राइस पाउडर इज रब टू रिलीज, राइस पाउडर क्या कर रहा है, रब कर रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे नहीं उसको नीचे डालने की कोशिश करते हैं, रब टू रिलीज अलोंग द प्री डिटरमाइंड डिजाइन। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही तय होता है कि उसको फ्लोरल शेप, मोटिफ और डिजाइन क्या देना है उसका। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द ड्रॉइंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल आउट ऑफ पॉज। तो जैसे नहीं हम रंगोली में अगर कोलम में या रंगोली में अगर आप बीच में ऐसे अटक जाते हो ये करते वक्त, तो वहां पे ना ऐसे ओवरलैप आ जाता है। तो ये वो यही बता रहे, विदाउट एनी पॉज आपको क्या करना पड़ता है, वो डिजाइन निकालनी पड़ती है। दिस फ्लुएंसी इज अचीव्ड, मतलब जो होती है, बाय आर्टिस्ट ओनली फॉर एक्सपीरियंस। जो आप बार बार रंगोली निकालेंगे तो ही ये फ्लुएंसी जो है आपको अचीव होंगी। तो ये बोल रहे हैं कि यंग गर्ल्स लर्न फ्रॉम देयर मदर और ग्रैंड मदर। तो बिसाइड्स द सिंबॉलिक वैल्यू, मतलब जो सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ मोटिव, इट एक्सप्रेसेस इंटरेस्टिंग मीनिंग ऑफ लाइफ ऑल्सो। मतलब लाइफ का इंटरेस्टिंग मीनिंग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइस पाउडर इज रेडिली अवेलेबल एस्पेशली इन साउथ। जैसे साउथ में आप देखोगे राइस पाउडर, मतलब राइस बहुत चलता है वहां पे। अभी मेरी फैमिली गई थी ट्रिप के लिए, मतलब वो महाराष्ट्र से, उनको चपाती खाने की आदत है, वो साउथ इंडिया में गए उनको चपाती ही नहीं मिल रही, चपाती भी राइस की चपाती मिल रही है। गेहूं की चपाती दो, गेहूं की चपाती दो। तो साउथ में राइस है ना, भाकरी, हाँ, तो वहां पे मिल ही नहीं रही उनको, तो ऐसे हो रहा था। तो राइस पाउडर इज रेडिली अवेलेबल है इट सीम्स। तो ये क्यों बनाते हैं रंगोली घर के सामने, कि ये क्या करता है, जैसे हम कैसे हम सैंड की बनाते, तो सैंड से तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, राइस फ्लावर से बनाते हैं। तो इट सीम्स टू फीड एंट्स, ओके, टू शो वन टेक्स केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब आप सिर्फ आपके बारे में नहीं सोच रहे हो, छोटे जीव जंतु भी जो है उनके बारे में भी सोच रहे हो। So just like yesterday I was talking to my brother, he went to like the trip to Vietnam. Vietnam mein gaya and then like there where he is staying, so there is a lady who is taking care of that place. So he was telling me that wo lady jo hai na चिपकली को भी खाना खिलाती है, बोले दीदी, मतलब वो, और फिर बोले चिपकली आप ऐसे कहीं पे भी नहीं जाती। मुझे पता चला वो लेडी उसको क्यों खाना खिलाती, क्योंकि चिपकली फिर उसी जगह पे रहे, सब जगह घर में ना घूमे। सो लाइक पीपल डू थिंक ऑफ ऑल दिस, हम कैसे, हम बस चिपकली को भगवाना जानते हैं, हम उनको कुछ खिलाते नहीं है कभी। सो दिस इज हाउ पीपल आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये भी क्यों राइस फ्लावर की बनाते हैं, क्योंकि जो है छोटे जीव जंतु तो आने चाहिए। हाँ, सो दिस कोलम इज बीइंग पेंटेड बाय हाउसवाइफ, हमें दिख रहा है। इट शोज फ्री हैंड ड्रॉइंग स्किल, फ्री हैंड ड्रॉइंग स्किल देख रहे हैं हम आर्टिस्ट की। देर आर डिफरेंट सिम्बॉलिक फॉर्म्स लाइक पिक्चर्स है, ओके, उसमें लैम्प्स है। सो पिक्चर का मतलब जग टाइप है, ओके, उसको वो पिक्चर बोल रहे हैं, वो कलश को, ओके, कोकोनट ट्रीज है। ऑल दिस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन रूरल लाइफ। तो ये सब उनके आजू बाजू में ही है ना, कि पिक्चर हो गया, लैम्प हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ये रूरल इंडिया का पार्ट है। दिस डिजाइन आर बेसिकली इन ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट विथ वेरी ब्राइट कलर लाइक रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड पिंक। सो एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस कोलम? यस मैम। ओके, तो अभी ये देख रहे हैं हम इसके शाइन से, ग्लेज से ही समझ में आ रहा है कि ये जो क्लोथ है ये सिल्क का क्लोथ है। यहाँ पे देखो मोटिव्स कैसे है, ज्योमेट्री शेप्स में मोटिव्स है। लाइक अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूंगी, इससे नहीं आता है ड्रॉइंग, ओके, अच्छे से। सो ऐसे ऐसे जो है इनके मोटिव्स है चारों साइड से, स्मॉल है, बिग है। ये क्या है? ये है फुल करी, ओके? नहीं, मिस आप क्या ड्रॉ कर रही हो?
मैं यही ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हुआ नहीं ठीक से. ठीक है, मोटिव ड्रॉ करने की कोशिश कर रही थी मैं. ओके, सो फुलकरी. फुलकरी ये क्या है, टाइटल इसका है चादर है, दिख रहा है क्लोथ है एक. आर्टिस्ट हमें पता नहीं. स्टाइल इसका क्या है, फुलकरी स्टाइल है. मीडियम क्या है इसका, एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लोथ विथ कलर्ड थ्रेड. तो एम्ब्रॉयडरी हो रही है क्लोथ के ऊपर कलर्ड थ्रेड के साथ. पीरियड क्या है इसका, कंटेम्प्ररी. प्रियंका पढ़ो फर्स्ट पैराग्राफ. हर्ष ने कैमरा ऑन रखा था. आई लाइक इट व्हेन यू कीप योर कैमरास ऑन. बंद मत किया करो. जनरल डिस्क्रिप्शन. फुलकरी एक्चुअली दैट्स मींस फाइन. फ्लावर्ड वर्क. दिस टर्म इज यूज फॉर अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस फोक प्रैक्टिस बाय फोक वुमेन इन पंजाब. दीज आर डन ऑन बोथ स्मॉल एंड लार्ज क्लोथ पीसेस पीसेस एंड दीज आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक वेल्स टू कवर हेड्स garment pieces, chadar and bedspread or bed covers. The embroidery is worked in floss silk upon the coarse cotton cloth in darning stitch over counted threads being worked from the back of the fabric. सिद्रा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए. Basic motifs of fulkari designs is geometric. Squares and triangles are composed all over the space, which are covered with mainly warm colors. These are simple designs and large size elaborate ones. Squares, dashes, triangles, and straight lines and zigzag lines from endless innovative variation. The predominant color is the gold of the ripening wheat harvest in Punjab. ओके, तो अभी फुलकरी उसके नाम से ही समझ में आ रहा है. उसके नाम में ही क्या है, फुल नाम है, तो उसका मतलब क्या है, फ्लावर्ड वर्क. ओके, तो ये जो टर्म है इज यूज फॉर एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस्ड बाय फोक वुमेन इन पंजाब. तो ये फुलकरी कहाँ के औरतें करती है, पंजाब की औरतें. ओके, इसके ऊपर का हमने देखा, ये जो कोलम था ये तमिलनाडु का था, साउथ इंडिया का था. अभी हम ये देख रहे हैं ये कहाँ पे है, फुलकरी वर्क वुमेन ऑफ पंजाब कर रही है. ओके, तो डिफरेंट रीजन. दिस आर डन ऑन बोथ स्मॉल एंड लार्ज क्लोथ ऑफ पीसेस ऑफ पेपर. तो ये क्या छोटे पे भी बनाते, मतलब कोई छोटे हैंकी पे भी बना देंगे, और बड़ा जो कोई मतलब जैसे दरगाह की चादर होती है, ओके, उसके लिए भी बना देंगे. आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक वेल्स टू कवर हैंड्स. ओके, तो वेल हमने देखा है. ओके, तो अभी ये सॉरी कवर हेड्स, मैंने हैंड्स पढ़ा. ओके, गारमेंट पीसेस, चादर, बेड स्प्रेड्स, बेड कवर्स के लिए फुलकरी आर्ट जो है बनाते हैं. एम्ब्रॉयडरी इज वर्क इन फ्लॉस सिल्क. तो फ्लॉस सिल्क अपॉन द कोर्स ऑफ कॉटन क्लोथ. ओके, इन डार्निंग स्टिच. जो स्टिच कैसे कर रहे हैं, काउंटेड थ्रेड्स के साथ जो है वो स्टिच कर रहे हैं. बींग वर्क फ्रॉम बैक टू द फैब्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं. देन बेसिक मोटिव्स ये फुलकरी डिजाइन में हम देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जैसे स्क्वायर्स है, ट्रायंगल्स है. ओके, कवर्ड विथ मेनली वॉर्म कलर्स. ओके, डू यू नो व्हाट आर कलर स्कीम्स, क्या होती है? नो मैम. ओके, तो अभी ये कलर स्कीम्स होती है. तो बेसिकली मैं आपको तीन कलर स्कीम्स बता देती हूँ बस. ये जो है ऊपर का दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो मेरा एरो जा रहा है, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल कलर स्कीम. ओके, ये जो है रेड में ऐसी जा रही है, इसे बोलेंगे हम वार्म कलर स्कीम. और ये जो ब्लू में जा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, कूल कलर स्कीम. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मोटिफ बनाया है, ये जो डिजाइन बनाई है, चादर बनाई है, ये वार्म कलर स्कीम से. क्यों वार्म बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें येलो और रेड का जो है यूज ज्यादा किया गया है. दिस आर सिंपल डिजाइन एंड लार्ज साइज. ओके,
इलेबरेट वंस. तो इसमें छोटी डिजाइन होती है, लार्ज साइज होती है इलेबरेट की, स्क्वायर्स होते हैं, डैशेस होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइंस होती है, ज़िगज़ैग लाइंस होती है, हमें दिख रही है ओके, स्क्वायर, अलग अलग डिजाइन होती है इसमें ओके. सो वन सेकेंड, वी कैन डू वन थिंग, फुल करी ओके. तो अभी ये देख रहे हैं हम लड़कियां या फिर लड़कों के भी इसके ऊपर आती है. देखो ये क्या है, अलग अलग ज्योमेट्री डिजाइन है इसमें, चटाई जैसा लग रहा है. हाँ चटाई जैसे लग रहा है, चटाई के ऊपर भी ऐसे डिजाइन होती है राइट, बट ऐसे लेडीज के दुपट्टे के ऊपर भी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फुलकरी बोलते हैं ओके, फुलकरी एम्ब्रॉयडरी. तो यही उसको इलैबोरेट किया जा रहा है. इसमें जो हम देख रहे हैं उसमें प्रीडोमिनेंट कलर है गोल्ड ओके, ऑफ राइपनिंग वीट हार्वेस्ट इन पंजाब. जैसे डू यू नो वीट, यस वीट फार्म्स फॉर हार्वेस्ट ओके. तो ये देखो ये वीट फार्म्स हो रहे हैं. तो यहाँ पे ना इन्होंने ऐसी एनालॉजी बनाई है कि इन्होंने फुलकरी जो आर्ट बनाया है यहाँ पे कैसे भी ये पूरा कैसे गोल्डन दिख रहा है. तो ये इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि आप लोगों सोचोगे ये क्या लिखना पड़ रहा है मुझे, तो आपको इस लाइन को समझना पड़ेगा. द प्रीडोमिनेंट कलर इज गोल्ड ऑफ राइपनिंग वीट हार्वेस्ट इन पंजाब. जैसे यहाँ पे देखो ओके, तो ये उसको जो है पंजाब में क्या होते हैं, बहुत सारे खेत होते हैं, तो राइपनिंग मतलब पके हुए जो गेहूं होते हैं उसके साथ इसे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसकी एनालॉजी बना रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको ओके. तो ऐसे लाइन बाय हार्ट करना मत, समझना कि वो क्या कर रहे हैं, एनालॉजी बना के बता रहे हैं. द वुमेन विल फर्स्ट पिक द आउटलाइन. तो अभी ये कैसे बनाते हैं बोल रहे हैं, पहले ये वुमेन क्या करती है, आउटलाइन लेती है हर एक सेक्शन की नीडल से बिफोर द वर्क इन डायरेक्शन, कॉन्ट्रास्ट और एडजेसेंट सेक्शन में जाती है, कॉम्बिनेशन करती है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टिचेस देती है और एक ब्यूटिफुल पैटर्न बनाती है. द एनलिस्टेड फुलकरी इज डिजाइन विद ट्रेडिशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स. हमने देखा, हमने और डिजाइन देखी फुलकरी के, स्टार फॉर्म्स with golden yellow silvery white thread on the red cloth. The basic motifs consisted, motif kya hai, consisted with large star surrounded with small star. Humne dekha isme kya hai, bade stars hai aur wo kya hai, surrounded with small stars okay. Ye yahan pe dekho kaise dikh raha hai, ye large star hai theek hai, sorry one second. Yahan pe dekho large star सराउंडेड विथ स्मॉल स्टार, पूरा डिजाइन ऐसे ही चल रहा है ठीक है. तो वही इसमें क्या कर रहे हैं, उसे इलैबोरेट कर रहे हैं. देन द सिल्कन शाइन ऑफ द थ्रेड क्रिएट्स ब्राइट रिलीफ, सिल्क के वजह से ब्राइट रिलीफ आ रहा है, वार्म्थ आ रहा है बिकॉज उसका जो सरफेस कलर कौन सा है, रेड कलर. एवरीबडी क्लियर विथ फुलकरी डिजाइन? यस मैम. ओके आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. ये देख लो, देर इज एन एलिफेंट बैकग्राउंड में, अलग अलग कलर की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की गई है. आई थिंक दैट किंग इज कैरिंग एन अम्ब्रेला. इसमें आई थिंक ये भी है, बर्ड्स भी है, ये बर्ड्स के पैर है शायद ओके. ये कुछ बीज है. सो इसे क्या बोलते हैं, कंठा स्टिचिंग ओके. तो हमने देखी कंठा स्टिचिंग क्या होती है, कंठा स्टिच ओके. सो यू हैव सीन अ कंठा स्टिच ऑलरेडी, सो इसे कंठा स्टिच बोलते हैं. हमारे मॉडर्न इसमें अभी ऐसी कंठा स्टिच हो रही है, इन्होंने भी यही की है. सो ये पहले के जमाने की, इसलिए इतना स्किल्ड वर्क नहीं है, बट देन टू यू कैन सी इन्होंने जो बैकग्राउंड का जो कलर है लिया है क्लोथ, वो सिल्क का है क्योंकि वो शाइन कर रहा है. ऐसे ऑब्जर्व करना और फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर लिखना है. तो इस टाइटल है कंठा फ्रॉम बंगाल. कंठा कहाँ का है, बंगाल का है. सबसे पहले हमने देखा जो कोलम है वो तमिलनाडु का था, फुलकरी कहाँ का था, पंजाब का, और कंठा कहाँ का है, बंगाल का ठीक है. आर्टिस्ट हमें पता नहीं, स्टाइल इसकी कंठा स्टिचिंग है. मीडियम इसका है एम्ब्रॉयडरी ऑन सिल्क ओके. एम्ब्रॉयडरी किसके ऊपर हो रही है, सिल्क के ऊपर,
किसके साथ? कलर्ड थ्रेड के साथ. पीरियड क्या है इसका? कंटेम्प्ररी. स्वीटी प्लीज रीड. ओके मैम. बंगाल हैज अ डिलाइटफुल फोक ट्रेडिशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड क्विल्टिंग नोन एज कंठा. द कंठास आर मेड ऑफ डिस्कार्डेड साड़ीज एंड धोतीज. These are sewn together to make it thick. Kanthas are generally made by the women of all classes in Bengal, particularly the old women. They use their spare time to sew these kanthas by colored threads from the border of old saris and are stitched along the border line. And the surface is filled with various designs, quilts, wedding mats, bags, and wraps for mirror and jewelry were all quilted and embroidered. Maria, read the next paragraph. Motifs and designs are taken from rural landscapes, ritualistic activities or purposes, mandala, objects from everyday life, rural festivals, circus entertainers, and even historical figures such as Queen Victoria to Lenin. The motifs of the kanthas make it clear that the folk women were mostly illiterate but had keen power of observation for day-to-day happenings around them. Okay, I think sabka reading ho gaya hai, right? Reem ke liye maine last rakha tha, but I think Reem left. Okay, that's all right. अभी आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की अभी मुझे जरूरत है, बिकॉज एवरीबडी इज फेमिलियर नाउ कि कंठा क्या है, कोलम क्या है. और अभी हमने फुलकरी देखा, तो फुलकरी में बस ज्योमेट्रिक मोटिव्स और फ्लोरल मोटिव्स ज्यादा थे. कंठा में इसका जो थोड़ा सा डिजाइन है हमें दिख रहा है, इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? इसका जो स्टिच है, स्टिच थोड़ा डिफरेंट है, ओके, कंठा का फुलकरी से. सो Let's see. Bengal has a delightful folk tradition. तो बोल रहे हैं बंगाल में भी delightful folk tradition है embroidery का और quilting का, okay? तो known as उसे क्या बोलते हैं embroidery और quilting को? कंठास बोलते हैं. तो कंठास आर मेड ऑफ डिस्कार्डेड साड़ीज एंड धोती. से डिस्कार्डेड मतलब जो, मतलब हम ये कर देते कि हम अभी यूज नहीं करने वाले, तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, कंठा की डिजाइन बनाते हैं. दिस आर सीवन टुगेदर टू मेक थिक, ओके. तो साथ में उसको क्या करते हैं, कपड़े को लेके अच्छे से उसको ये करते हैं और उसको थिक बनाते हैं. कंठास क्या करते हैं, जनरली सभी क्लासेस के जो वुमेन होती है, ओके, उन्होंने एक क्लास को डिफाइन नहीं किया, वो बनाती है. पर्टिकुलरली वो बोलते हैं कि ओल्ड वुमेन्स बनाती है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा जो है स्पेयर टाइम होता है, तो वो क्या करती है, कंठास जो है कलर्ड थ्रेड से बॉर्डर ऑफ द साड़ीज को स्टिच करती है, बनाती है, ओके, लाइन ऑफ द सर्फेस. तो इसमें वो क्या क्या बनाती है, क्विल्ट्स बनाती है, वेडिंग मैट्स बनाती है, बैग्स, रैप्स, मिरर्स, ज्वेलरी वेयर ऑल क्विल्टेड एंड एम्ब्रॉयडर्ड, ओके. तो इसमें ये सब चीजें बनाती है. तो मोटिव्स एंड डिजाइन्स, तो अभी इसके मोटिव्स क्या लेते हैं वो और डिजाइन्स क्या लेते हैं, फ्रॉम रूरल लैंडस्केप. रूरल मतलब जो उनके आजू बाजू का जो लैंडस्केप है उससे लेते हैं. कोई आजू बाजू में उनकी आर्टिस्ट हमेशा क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि एक सीनरी बनाओ या फिर कुछ बनाओ, आप क्या करोगे, आपके आजू बाजू की जो चीज है वो देखोगे और बनाओगे, राइट? तो वो भी लैंडस्केप्स देखती है, आजू बाजू के कोई रिचुअलिस्टिक डिजाइन होती है वो देखती है, एक्टिविटीज, ओके, कोई डे टू डे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई रूरल फेस्टिवल्स होते हैं, कोई सर्कस एंटरटेनमेंट होता है या फिर हिस्टोरिकल फिगर्स होती है, जैसे क्वीन विक्टोरिया टू लेनिन, उनके जो है नाम ले रहे हैं. द मोटिव्स ऑफ दिस कंठास मेक इट क्लियर दैट द फोक वुमेन वेर मोस्टली इलिटरेट. तो उससे क्या पता होता है कि जो फोक वुमेन थी इलिटरेट थी, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एंड हैड अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब भले ही वो पढ़ी हुई नहीं थी बट उनके पास क्या था, दे हैड अ पावर टू ऑब्जर्व. आजू बाजू की चीजें क्या करती थी, डे टू डे लाइफ की हैपनिंग्स के अराउंड वो ऑब्जर्व करती थी, और उनका जो काम रहता था एम्ब्रॉयडरी का, क्विल्टिंग का, उसमें वो क्या करती थी, लाती थी. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एनलिस्टेड कंठा, यहाँ पे जो है इज अ सारी विच इज स्टिच बाय टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल में स्टिच की हुई है. मोटिव्स एंड स्टाइल्ड बाय एनिमल्स, तो उसमें मोटिव्स क्या लिए गए हैं, एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स लिए गए हैं.
पिंक कलर की साड़ी है, ओके उसमें चेन स्टिच किया गया है, कलर्ड थ्रेड है जैसे व्हाइट ग्रीन पर्पल येलो ब्लैक हम देख रहे हैं उसमें, हमने देखा तो हम उसमें देख रहे हैं कि किंग है, किंग लाइक फिगर है, वो हॉर्स के ऊपर बैठा है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है, सम स्टाइलाइज्ड बर्ड्स है उसमें, बीज है, ओके और द इंफ्लुएंस ऑफ कालीघाट पत्ता चित्रा इज वेरी क्लियर इन द मोटिव. तो हमें दिख रहा है कालीघाट पत्ता चित्रा जो है इसमें क्या है, वेरी क्लियर है ये मोटिव्स में. ओके सो एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस मैम. यस मैम. ओके सो आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर. सो ये चार टर्मिनल क्वेश्चन है आपके. व्हाट इज फोकार्ट, डिस्क्राइब एनी वन ये, एंड थर्ड एंड फोर्थ आई वॉन्ट रीड दैट. ओके सो आई होप एवरीबडी सबको अच्छे से समझ में आया चैप्टर. ये चार ये जो क्वेश्चन है सब लोग सॉल्व कर लेंगे. ओके श्रुति यू जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट एवरीबडी लीव. बाय बाय एवरीबडी. बाय मैम. बाय बाय. बाय बाय. बाय मैम. थैंक यू.